भिवाड़ी आज दिनांक 9/3/2023 औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में एक कंपनी की एक शिफ्ट छोड़ने जा रही एक निजी बस के हराने के समीप मोड पर बस क्रॉसिंग करते समय 15-16 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिस मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस चालक मौके पर ही बस छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान गुस्साए परिजनों ने बस के सारे शीशे फोड़ डाले। वहीं पर आसपास के लोगों में भी भारी रोष व्याप्त हो गया है और लोगों ने सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर जाम कर दिया। बस के दोनों पहियों की हवा निकाल दी। मामले का पता चलते ही भिवाड़ी आईपीएस सुजीत शंकर में पुलिस जब्ते के मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल परिजनों को समझाकर पुलिस ने बच्चे के शव को उपजिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की उपस्थिति में अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मरने वाले का नाम मुरसलिम सैनाफ अरशद, उम्र 15 साल, गांव के कहरानी कक्षा 7 में पढ़ता था। वे 3 बहन और 3 भाई थे। रिपोर्ट मुकेश कुमार शर्मा, भिवाड़ी। आज कहरानी रेलवे पुलिया से थोड़ा सा चौपान की रोड पे चलते समय करीब 2 बजे एक कंपनी की बस ने 15-16 साल के बच्चे मुरसलिम सरोफ अरशद की टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को भी उसको तलाश किया जा रहा है। क्या कोई गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से? ऐसे हाँ, ग्रामीणों की तरफ से आक्रोश में तोड़फोड़ की गई मामूली, इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। जी, कोई मुकदमा वगैरह किसी की तरफ से अभी दर्ज कराया गया? दर्ज नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा? हाँ, सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो स्थिति है वो शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक।